नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुरूप आज फतेहाबाद क्षेत्र में भारी बरसात हुई। देर रात से ही बरसात जारी रही, जिस कारण क्षेत्र में बिजली व्यवस्था भी बाधित रही। रात करीब 2 बजे के बाद रुक रुक कर बरसात होती रही और 6 बजे से लगातार अब तेज बरसात हुई, जिस कारण पूरा शहर और आसपास का इलाका पानी पानी हो गया। बरसात केवल फतेहाबाद ही नहीं बल्कि फतेहाबाद के साथ लगते सिरसा, भूना, रतिया सहित सभी क्षेत्रों तेज बरसात जारी रही। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 21 तारीख को फतेहाबाद में भी भारी बरसात का अलर्ट जारी किया था। हालांकि मौसम विभाग के पहले अलर्ट सही नहीं जा रहे थे, लेकिन पिछले 2 बार से जो भी अलर्ट जारी हुए हैं वह सटीक साबित हुए हैं। 20 तारीख को भी दिन भर रुक रुक कर बरसात हुई और रात को भी 10 मिनट की तेज बरसात हुई, जिस कारण शहर में पानी पानी जमा होने लगा। इसके बाद बरसात रुकी और रात को फिर बरसात की गतिविधियां जारी हो गईं। शहर का स्वामी तुलसीदास चौक, धर्मशाला रोड, मॉडल टाउन, बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, नेशनल हाईवे, जवाहर चौक सहित सभी निचले इलाके जलमग्न हो गए। हालांकि प्रशासन द्वारा बनाए गए डिस्पोजल टैंक काम करते रहे। बरसात ज्यादा होने के कारण पानी भी जमा होता रहा। अब देखना होगा कि इतनी तेज बरसात में टैंक कितनी देर में शहर से पानी निकाल सकते हैं। पिछले दिनों जो बरसात हुई थी तब सिर्फ 20 मिनट की बरसात से शहर डूब गया था, लेकिन राहत की बात थी कि 2 घंटों के अंदर टैंक में शहर को पानी से खाली कर दिया था। तब लोगों ने उम्मीद जताई थी कि लोगों को उम्मीद जगी थी कि आगे बरसातों में यह टैंक उन्हें राहत जरूर देंगे। अब ज्यादा बरसात में टैंक की भी परीक्षा होगी। विभाग भी लगातार दावे कर रहा है कि जितनी भी मर्जी बरसात आए कुछ घंटों में ही शहर से पानी निकल जाएगा, और आज उन दावों की भी सच्चाई सामने आ रही है। उम्मीद करते हैं कि दावे सच ही साबित हों। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।